नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। बेंगाबाद शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में घायल बेटा को देख पिता की सदमे में मौत हो गई। घटना छुटकी खड़गडीहा गांव की है। बताया जाता है कि बीते 16 जनवरी 2022 को बेंगाबाद छुटकी खड़गडीहा मुख्य मार्ग स्थित मुंडारी के समीप पिकअप वाहन की चपेट में आ जाने से छुटकी खड़गडीहा निवासी बहादुर शाह और उनकी पत्नी उर्मिला देवी घायल हो गई। वहीं बहादुर शाह के अत्यधिक चोटिल हो जाने के कारण डॉक्टर ने उन्हें धनबाद रेफर कर दिया था। इलाज के बाद वह अपने घर वापस लौटे थे। इसी क्रम में बहादुर शाह के पिता डेगलाल शाह ने अपने बेटे को जख्म देखकर सहन नहीं कर पाया और सदमे में उनकी मौत हो गई। डेगलाल शाह की मौत की खबर सुनते ही पंचायत प्रधान महेंद्र प्रसाद वर्मा पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। कहा कि प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस परिवार में अब कोई व्यक्ति स्वस्थ और कमाऊ नहीं है जो इस परिवार का भरण पोषण चला सके। सरकार इन्हें उचित मुआवजा दे ताकि यह परिवार उजड़ने से बच सके। इसके पुत्र संतोष शाह और पत्नी रुक्मणी देवी जन्म से ही पैर से विकलांग है। 2022 को घटना हुआ, जैसे मेरा बहन घर गई थी। कौन गए थे? पापा और मम्मी दोनों जी। वहाँ से लौट रहे थे, मोटराडी आने के बाद मछली गाड़ी धक्का मार दिया जी। मारने के बाद हम बेंगाबाद रेफर कर दिया जी। बेंगाबाद से गिरिडीह रेफर कर दिया जी। गिरिडीह से धनबाद रेफर किया, वहाँ भर्ती नहीं लिया तो लास्ट में हम जेपी हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज करवाए जी। 16-17 दिन हम वहाँ भर्ती रखे जी। वहाँ ठीक मरीज होने के बाद पैसा पूरी हम व्यवस्था करके मांग छांग के कहीं से हम व्यवस्था करके दिए। छुट्टी हुआ उसके बाद हम घर लेते आए। मेरा दादाजी ड्रेसिंग करते हुए समय देख लिया जी। ड्रेसिंग करते समय देख लिया, उसके बाद हम कल फिर बाहर ले जा रहे थे। वही सगमा उसके होने के बाद उसका रात में डेट हो गया। सरकारी लाभ हमको कुछ नहीं मिला। थाना प्रभारी से केस हुआ था, हमको कुछ लाभ भी नहीं मिला। गए तो बोला कि कोर्ट जाओ, कोर्ट में जो होगा सोचा जाएगा। उसके बाद मेरा को खर्चा पानी नहीं, उसके सदमे होने के बाद मेरा ये घटना घट गया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं गाड़ी से हमको कुछ खर्चा दिला दे, सरकारी लाभ मिल जाए। उसके बाद मेरे सहारा में कोई नहीं है, गरीब परिवार है और गरीब फैमिली का आदमी, सब तीन को विकलांग है मेरा घर। मेरा गार्जियन मेरा दादाजी था, दादाजी के पास एक लौता बेटा मेरा पापा था। उसके बाद दोनों एक्सीडेंट होने के बाद मेरा दादाजी एक्सपायर हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार साहब। ना दिनांक 16 जनवरी जी को घटी है। ग्राम मोटराडी के पास बहादुर साहब का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बुरी तरह से बहादुर साहब उसकी पत्नी जख्मी हो गई थी जिसका इलाज चल रहा था। लेकिन उसके सदमे से उनके पिताजी दुगन साहब जी का आज निधन हो गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यह घटना काफ़ी दुखद घटना है और क्योंकि इसके परिवार में एक भी कमाऊ व्यक्ति नहीं है जी। इनके पुत्र, इनकी पत्नी जो दोनों पैर से विकलांग, अब इनके घर का एक भी ऐसा सदस्य नहीं बचा है जो इसके घर का परिवेश चला सके। इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि यह परिवार उजड़ने से बच सके और इन्हें भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।